नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं आपके साथ अर्पण शुक्ला। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी का कल प्रयागराज में बागम्बरी गद्दी में संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया। उनका शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। उनकी हत्या हुई है या आत्महत्या, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। महंत गिरी की अचानक मौत की खबर से उनके समर्थक व शिष्य सदमे में हैं। कमरे से 7 पन्नों का सुसाइड नोट भी प्राप्त किया गया है, जिस पर महंत के शिष्य आनंद गिरी व अन्य 2 लोगों पर प्रताड़ित करने से परेशान होने की बात लिखी गई है। परंतु आनंद गिरी का दावा है कि महंत गिरी की मौत सामान्य नहीं है व उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है। आनंद गिरी को उत्तराखंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह प्रयागराज स्थित बागम्बरी मठ पहुंचकर महंत गिरी के आखिरी दर्शन किए। दर्शन के बाद सीएम योगी ने कहा कि वे महंत गिरी की अचानक हुई मौत से बहुत दुखी हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इस प्रतिष्ठित बागम्बरी पीठ के श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारी घटना की जांच व छानबीन कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, यह पूरे संत समाज के लिए बहुत बड़े दुख की घड़ी है। वहीं पुलिस का प्राथमिक जांच के आधार पर मानना है कि महंत गिरी ने आत्महत्या की है। इसके साथ ही मिले सुसाइड नोट में उनके शिष्य का नाम आने पर आनंद गिरी को शक के दायरे में रखते हुए व आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। इनके अलावा नोट में प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी के पुजारी व उनके बेटे से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। कुछ ही दिन पहले महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच एक विवाद हुआ था, परंतु कुछ ही समय बाद एक वीडियो जारी करके इस विवाद को खत्म करने की बात भी कही गई थी। वीडियो में आनंद गिरी अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी से क्षमा याचना करते हुए दिख रहे हैं, साथ ही वो अपने गुरु के पैर पकड़कर माफी भी मांग रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष गिरी और उनके शिष्य के बीच विवाद तब बढ़ गया था जब अखाड़ा परिषद ने बाकायदा प्रेस रिलीज करके आनंद गिरी पर सनातनी परंपरा के विपरीत कार्य करने का आरोप लगाकर उन्हें बागम्बरी मठ और निरंजनी अखाड़े से निष्कासित कर दिया था। महंत नरेंद्र गिरी ने खुद कहा था कि आनंद गिरी ने नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार कुंभ में अपने परिवार को बुलाया था, परंतु अखाड़े की परंपरा के अनुसार परिवार से संबंध नहीं रखा जा सकता है। इसी के बाद से उन्हें बागम्बरी मठ से भी निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद से गुरु और शिष्य के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद शिष्य आनंद गिरी ने परिषद व अपने गुरु के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार कई बयान दिए थे। उन्होंने अपने गुरु के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाकायदा पत्र लिखकर अपने गुरु के खिलाफ अरबों रुपये की जमीनें बेचने सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने पत्र में लिखा था कि गुरु के आचरण और महंगे शौक का ही नतीजा है कि मठ और अखाड़ा बर्बादी की ओर अग्रसर हो गया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से मिलने का समय भी मांगा था। इन सभी विवाद के बाद 26 मई को एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत गिरी और आनंद गिरी के बीच हुए विवाद के बाद आनंद गिरी अपने गुरु से माफ़ी मांग रहे हैं व दोनों के बीच सुलह होने की बात भी कही गई थी। वीडियो में आनंद गिरी ने अपने गुरु महंत गिरी के पैर पकड़कर माफ़ी भी मांगी थी, जिसके बाद महंत गिरी ने अपने शिष्य के बागम्बरी गद्दी और प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में आने पर पाबंदी हटा दी थी। वहीं गुरु महंत गिरी ने शिष्य आनंद गिरी पर लगाए आरोपों को भी वापस ले लिया था। छोटे महाराज के रूप में विख्यात योग गुरु स्वामी आनंद गिरी लग्जरी लाइफ जीते हैं। महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे मोबाइल फ़ोन रखना, कीमती कपड़े पहनना उनका शौक है। स्वामी आनंद गिरी चमचमाती कारों और बुलेट बाइक का भी शौक रखते हैं। हाथों में एप्पल कंपनी के 2-2 मोबाइल हमेशा ही रहते हैं। वे भगवा कपड़े तो पहनते हैं, लेकिन उसकी कीमत भी हजारों में होती है। साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। साल 2020 में आनंद गिरी की एक फोटो इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई थी, जिसमें वे हवाई जहाज के बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं और उनके सामने होल्डर में एक ग्लास रखा हुआ है।
कहा जा रहा था कि उस ग्लास में शराब थी, जिसके बाद आनंद गिरी ने सफाई देते हुए कहा था कि ग्लास में शराब नहीं बल्कि एप्पल जूस था। आनंद गिरी को फोटो सेशन का भी काफी शौक है। समुद्र व टीलों के करीब ध्यान करते हुए उनकी कई फोटो सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और रीता बहुगुणा जोशी भी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए प्रयागराज पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, दिनेश शर्मा, अखिलेश यादव, मायावती समेत कई बड़े राजनेताओं ने अपना दुख व्यक्त किया। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव यूपी न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।